हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हिंदी में कहा जाता है वित्तीय लेखांकन अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या किसी ऐसे कम्पटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां पर कॉमर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं यहाँ आपको बताना चाहते हैं ये हमारी पार्ट नंबर सेवन है इससे पहले मैंने आपको सिक्स पार्ट प्रोवाइड कर दिया है जिसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी तो आज के क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर वन द वैल्यूएशन ऑफ द फाइनेंशियल एसेस्ट इज बेस्ड ऑन डेटर माइनिंग एक वित्तीय परिसंपत्ति का मूल्यांकन निर्धारण पर आधारित है ऑप्शन ए द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस पूंजी बजट प्रक्रिया ऑप्शन बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य ऑप्शन सी द करंट इल्ड टू मेच्योरिटी ऑन लॉन्ग टर्म कॉरपोरेट बॉन्ड्स लंबी अवधि के कॉरपोरेट बॉन्ड पर परिपक्वता के लिए वर्तमान प्रतिफल एंड लास्ट नन ऑफ द अब इनमें से कोई नहीं अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोस भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य ओके क्वेश्चन नंबर टू द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू डैश प्रतिधारित कमाई की लागत डैश के बराबर है ऑप्शन ए द रिटर्न ऑन न्यू कॉमन स्टॉक ऑप्शन बी इट डज नॉट हैव अ कॉस्ट ऑप्शन सी द रिटर्न ऑन एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक एंड लास्ट द रिटर्न ऑन प्रिफर्ड स्टॉक यहां पूछा जा रहा है प्रतिधारित कमाई की लागत डैश के बराबर है द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग इज इक्वल टू सो यहां पर राइट right आंसर होने वाला है ऑप्शन सी द रिटर्न ऑन एग्जिस्टिंग कॉमन स्टॉक क्वेश्चन नंबर थ्री दोस्तों ये सभी ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आपको जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको वीडियो रोक करके नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कैपिटल कॉस्ट अलाउंस एक्सेप्ट डैश निम्नलिखित में से डैश को छोड़कर पूंजीगत लागत भत्ते के बारे में सभी सत्य हैं ऑप्शन ए इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस ऑप्शन बी इट इज नॉन टैक्स डिडक्टेबल ऑप्शन सी इट प्रोवाइड टैक्स सील्ड बेनिफिट ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से डैश यानी किसको छोड़कर पूंजीगत लागत भत्ते के बारे में सभी सत्य हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ कैपिटल कॉस्ट अलाउंस एक्सेप्ट तो यहां पर राइट right आंसर क्या होने वाला है बी ठीक है इट इज नॉट टैक्स डिडक्टिबल नेक्स्ट क्वेश्चन फोर द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर प्रोजेक्ट्स विथ द लाइफ ऑफ एट लीस्ट डैश पूंजी बजट निर्णय में कम से कम डेस्क के जीवन के साथ परियोजना के लिए व्यय की योजना शामिल है वन ईयर फाइव ईयर टेन ईयर्स, सिक्स मंथ क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को अच्छे से समझिए उसके बाद आप लोग आंसर बताइए इसका द कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व द प्लानिंग ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर प्रोजेक्ट्स विथ द लाइफ ऑफ एट लिस्ट तो यहां पर राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वन ईयर क्वेश्चन नंबर फाइव द डिटरमाइन द प्राइस ऑफ स्टॉक स्टॉक की कीमत निर्धारित करें ऑप्शन ए डिवाइडेड द डिविडेंट अमाउंट बाय द ग्रोथ रेट लाभांश राशि को विकास दर से विभाजित करें ऑप्शन बी डिवाइड द डिविडेंट अमाउंट बाय द रेट ऑफ रिटर्न लाभांश राशि को रिटर्न की दर से विभाजित करें ऑप्शन सी डिवाइड द रेट ऑफ रिटर्न बाय द डिविडेंट अमाउंट लाभांश राशि से वापसी की दर को विभाजित करें एंड लास्ट नन ऑफ द अबव इनमें से कोई नहीं यहां पूछा जा रहा है स्टॉक की कीमत निर्धारित करें द डिटरमाइन द प्राइस ऑफ स्टॉक दोस्तों आपको बताना चाहते हैं अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पीडीएफ में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहां आप हमारे किसी भी वीडियोस के पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी डिवाइडेड द डिविडेंट अमाउंट बाय द रेट ऑफ रिटर्न लाभांश राशि को रिटर्न की दर से विभाजित करें ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए आपका कोई प्रश्न है कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट एंड इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान धन का आंतरिक स्रोत है कॉमन स्टॉक सामान्य शेयर रिटेन अर्निंग एंड एमोटेशन कैश फ्लो बरकरार रखी गई आय और परिशोधन नकदी प्रवाह ऑप्शन सी कॉमर्शियल पेपर वाणिज्यिक पत्र नन ऑफ द एबव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अगर आप बी के स्टूडेंट हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जैसा कि आप सभी को पता होगा अब से हम आपके लिए आपके बीकॉम के सिलेबस के हिसाब से यानी बी में जितने भी चैप्टर होते हैं उनके हिसाब से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमारी पार्ट नंबर सेवन है इससे पहले मैंने आपको सिक्स पार्ट प्रोवाइड कर दिया है अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट पर जा करके देख सकते हैं तो आइए आपको यहाँ पर सही आंसर बता देते हैं ऑप्शन बी रिटेन्ड अर्निंग एंड एमोटाइजेशन कैश फ्लो बरकरार रखी गई आय और परिशोधन नकदी प्रवाह क्वेश्चन नंबर सेवन प्रिफर्ड इक्विटी हैज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट इक्विटी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी विशेषताएं हैं ऑप्शन ए प्रेसिडेंस ओवर कॉमन स्टॉक डिविडेंड ऑप्शन बी द कुमुलेटिव राइट टू एनुअल डिविडेंड, ऑप्शन सी फिक्स डिविडेंड एंड लास्ट रेसिडुअल क्लेम टू इनकम इक्विटी में निम्नलिखित को छोड़कर सभी विशेषताएं हैं तो किसको छोड़ दिया जाए तो यहां पर राइट आंसर होगा डी रेसिडुअल क्लेम टू इनकम अगर इसको छोड़ दिया जाए तो ये सभी तीनों इक्विटी की विशेषताएं हैं ठीक है फिक्स डिविडेंट द कम्युनिटिव राइट टू एनुअल डिविडेंट ओवर कॉमन स्टॉक डिविडेंट क्वेश्चन नंबर एट डेट दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक एसेस्ट इज कॉल्ड डैश वह ऋण जो विशिष्ट परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित नहीं होता है क्या कहलाता है कॉमन स्टॉक डिवेंचर आ मोर्टगेज एग्रीमेंट एंड इंडेंचर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डेप दैट इज नॉट सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक एस एस स्कॉल्ट वह ऋण जो विशिष्ट परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित नहीं होता है क्या कहलाता है तो यहां पर राइट right आंसर होगा ऑप्शन बी डिवेंचर ठीक है ऋण पत्र अगला क्वेश्चन द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग द प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट इज टू प्रोफॉर्म बैलेंस शीट तैयार करने में पहला कदम है ऑप्शन देख लेते हैं एग्जामिन द प्रायर पीरियड बैलेंस शीट एंड ट्रांसलेट द आइटम्स थ्रू टाइम प्रिपेयर द कैश बजट प्रिपेयर द प्रोफॉर्मा इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो द फर्स्ट स्टेप इन प्रिपेयरिंग द प्रोफॉर्मा बैलेंस शीट इज टू तो यहां पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए एग्जाम इन द प्रायर पीरियड बैलेंस शीट एंड ट्रांसलेट द आइटम्स थ्रू टाइम दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार देख लीजिए आपके लिए उपयोगी लगे यूजफुल लगे वीडियोज़ के टॉपिक देख लीजिएगा वीडियोज़ भी देख लीजिएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए यहाँ पर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप यू पी लेखा लिपी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए क्वेश्चन नंबर टेन आ स्टॉक डिविडेंट एक स्टॉक लाभांश रिप्रेजेंट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर्स टू नॉर्मली हैज नो रियल वैल्यू टू द इन्वेस्टर डिफर्स फ्रॉम अ स्टॉक स्प्लिट लार्जली इन साइज ऑल ऑफ द अबव स्टॉक डिविडेंट एक स्टॉक लाभांश राइट आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ठीक है ये तीनों सही है क्वेश्चन नंबर इलेवन द स्प्रेड में बेस्ट बी डिफाइंड एज प्रसार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है यहां किसको परिभाषित करना है प्रसार spread co option a the proceed from the distribution received by the firm b the price finally paid by the public for the shares c the compensation due to the lead underwriter d the total compensation for those participating in the distribution process प्रसार को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जा सकता है यहां पर सही आंसर होगा डी द टोटल कंपनसेशन फॉर दोज पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस ठीक है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व टू एन इकोनॉमिस्ट द टर्म इनकम मीन्स एक अर्थशास्त्री के लिए आय शब्द का अर्थ क्या है ऑप्शन ए चेंज इन रियल वर्थ टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिगनिंग एंड ईच ऑफ अ पीरियड ऑप्शन बी अर्निंग आफ्टर टैक्सेस ऑप्शन सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑप्शन डी सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पूछा जा रहा है एक अर्थशास्त्री के लिए आय शब्द का क्या अर्थ है अगर आप एक अर्थशास्त्री हैं तो आपके लिए क्या अर्थ होगा आय का तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेंज इन रियल वर्थ टेकिंग प्लेस बिटवीन द बिगनिंग एंड ईच ऑफ पीरियड ठीक है यहां पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन यहीं तक थे उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं आप किसी और टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें वो भी कमेंट करके बता सकते हैं हम आगे उस पर टॉपिक पर वीडियो लेकर के आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर बाय बाय